हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव विद कृति। मैं हूँ कृति और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैंने जूमिन से कुछ एल्बम्स ऑनलाइन प्रिंट होने के लिए ऑर्डर किए थे और वो प्रिंट होके आ गए हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मैंने इन्हें ऑर्डर किया था और वो ऑसमली प्रिंट हो गया है, तो मैं आपको इनका रिव्यू करके दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, बी क्रिएटिव विद कृति इज़ ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन गो देयर एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी और इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर रिव्यू। तो मैंने जूमिन से ये तीन एल्बम्स ऑर्डर किए थे और ये तीनों अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हैं। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन हो गया था तो मैंने सोचा कि कुछ बहुत ही अच्छे से प्रिंट करवा के इनका फ़ोटो एल्बम्स बनाती हूँ। लेकिन जब मैं लोकल मार्केट में गई तो आई फाउंड कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है और मुझे कस्टमाइज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं दिखे। कुछ दो चार ही उनके पास में ऑप्शन थे इसे कस्टमाइज़ करने के लिए। तो देन मैंने ऑनलाइन सर्च किया एंड देन आई फाउंड जूमिन। जूमिन को मैं पहले कुछ सालों में यूज़ करती थी लेकिन मैंने उनकी फ़ोटो बुक्स के लिए कभी यूज़ नहीं किया था। तो आई फाउंड वेरी गुड ऑप्शंस जिसमें कि आप अपने हिसाब से सारे एल्बम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसका प्राइस भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। तो चलिए हम एक एक करके इन्हें ओपन करते हैं। ये सॉफ्ट कवर बुक है और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे इसके प्रिंट्स है। यू कैन सी द, ये मैट फिनिश की बुक है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये पेजेस इसके कितने ग्लॉसी हैं। और इसकी थीम्स भी थी जो मैंने अपनी थीम्स के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करवाया है। ये 20 पेज का एल्बम है, सॉफ्ट कवर पेज का एल्बम है और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल मिला है, सो आई रियली लव दिस वन। ये सेकेंड एल्बम है, ये हार्ड कवर एल्बम है, ये देखिए। ये मैंने अपनी फैमिली के फोटोग्राफ्स के लिए ये एल्बम बनाया है। ये 8x10 का एल्बम है और इसके आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे कवरिंग दी हुई है और इसके पेजेस कितने ग्लॉसी हैं। यू कैन सी, देखो मैंने ग्लॉस फिनिश जो था वो ऑप्ट किया था, तो आप देख सकते, और आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे मोटे पेजेस हैं, पतले भी नहीं हैं और ये बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है इसमें। बहुत ये है तीसरा एल्बम, ये एक तीसरे तरह का वेरिएंट है। मैंने ईशाना के बर्थडे के लिए ये एल्बम बनाया था, इसका फर्स्ट बर्थडे का एल्बम जो है वो मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। ये अगेन हार्ड कवर है और आप देख सकते हैं हार्ड कवर बुक है ये लेकिन मैट फिनिश में है। तो दिस वाज द एल्बम और इसके भी पेजेस ऑलमोस्ट वैसे ही, उतने थिक नहीं है ग्लॉसी जैसे बट ऑलमोस्ट थिक पेजेस हैं और मैट फिनिश के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे क्या कहते हैं आपको पेजेस जो है उनमें शाइन दिखेगी आपको। मैट फिनिश है लेकिन फिर भी शाइन है और ये थीम जो है ये भी मैंने ही चूज़ की थी, सो ये बहुत ही अच्छा निकल के आया है ये एल्बम भी। ये भी 30 पेजेस, ये भी 20 पेजेस का एल्बम है। इन सारी फ़ोटो बुक्स के साथ में जूमिन ने मुझे कुछ कार्ड्स भी दिए हैं, ये थैंक यू कार्ड है हुए हैं और इसके साथ में जूमिन ने कुछ कूपन्स भी दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन यूज़ दैट जूमिन ऐप और आप जूमिन का ऐप यूज़ करके किस तरह से ये फ़ोटो एल्बम्स बना सकते हैं।
तो ये है जूम इन का ऐप और आप देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ़ोटो बुक के ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ़ोटो प्रिंट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैग्नेट्स है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं एक फ़ोटो बुक। ये देखिए इसमें फ़ोटो बुक में आपको हार्ड कवर का ऑप्शन दिया है, सॉफ्ट कवर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस भी चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो बुक चूज़ की है मैंने, यहाँ पर मैं चूज़ करूँगी 20 पेजेस की फ़ोटो बुक। तो जब मैंने 20 पेजेस सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आ गया है मैट फिनिश या ग्लॉसी, तो आई एम गोना सेलेक्ट ग्लॉसी फ़ोटो बुक और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी थीम्स के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पर इतनी सारी अलग अलग थीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी थीम जो आपको सूट करती है आप इसे चूज़ कर सकते हैं। या फिर ओकेजन वाइज भी इन्होंने कैटेगरीज़ दी हैं, बर्थडे की थीम्स दी है यहाँ पर, किड्स के लिए है, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल और वेडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर बर्थडे की थीम चूज़ कर रही हूँ और बर्थडे की थीम में देखिए यहाँ पर इतनी सारी थीम्स आ गई बच्चों के बर्थडे की। और अब हम यहाँ पर चूज़ करेंगे हमारे फ़ोटोग्राफ्स। तो मैंने ईशाना के प्री बर्थडे फ़ोटोग्राफ्स चूज़ किए हैं। अब चूँकि 20 पेजेस की फ़ोटो बुक सिलेक्ट की है इसलिए मिनिमम 20 फ़ोटोग्राफ्स सिलेक्ट करने होंगे, वो अपलोड हो जाएंगे इसमें। तो ये फ़ोटोग्राफ्स अपलोड हो गए हैं और उसने ऑटोमेटिकली इनको अपने 20 पेजेस में सारे फ़ोटोग्राफ्स को डाल दिया है। अब आप इसे एडिट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। ये देखिए इतने सारे लेआउट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर अपना एक लेआउट सिलेक्ट करके वहाँ पर फ़ोटोज़ चूज़ करके डालिए। और जब आपकी फ़ोटो बुक कम्प्लीट हो जाए तो आप इसे लास्ट पेज पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तब तक के लिए सिया बाय बाय।